नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश कौर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी पैरों पर। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होगी। ये जनरल होने के कारण ये सब पर पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, फिर हम देखेंगे कि लियो की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है और वो लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे 72 आवर्स के लिए और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस। जस्टिस द सन एस ऑफ पेंटिकल्स, लियो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, जस्टिस आ रहा है। जैसा जिसने कर्म किया है उसी के अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये रिश्ता होने वाला है। वो चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो और वो न्याय करें, न्यायप्रिय बने, और अगर किसी ने कोई गलत किया है तो कम से कम अपने कर्मा सुधार लें ताकि उन्हें लाइफ में न्याय मिल सके, उनके साथ कोई धोखा ना हो, छल कपट ना हो। वो किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी नहीं चाहते, वो सबके साथ न्याय चाहते हैं, न्यायप्रिय बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि जैसा जिसने कर्म किया है, अगर जिसने गलत काम किया है तो उनको गलत फल मिलेगा और अच्छा कर्म किया है तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें अच्छा फल मिलने वाला है। और वो लियो के जो पर्सन हैं वो चाह रहे हैं कि जो लियो हैं वो हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, मग्न रहें, कि उस रिश्ते में उनको हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले। अगर वो उन्हें अपने इनर चाइल्ड को जगाने की ज़रूरत है, अपने पल पल खुशियों में जीने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ खेलें, मौज मस्ती में रहें, अगर वो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी वो खुश रखेंगे, दूसरे लोगों के भी साथ वो खुशी से बातें करेंगे और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का होना देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो, कामयाब हो और इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए। जो चीज़ें पास्ट में परेशान कर रही थी, दुख तकलीफें दे रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करके वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए और ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत समय रहते हो जाती है स्टेबिलिटी के लिए, अगर जॉब बिजनेस करियर या जिस चीज़ से उनको खुशी मिलती है उसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत होती है तो ये रिश्ता हैप्पीनेस हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है और इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है। इस रिश्ते में उनको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, तो वो न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं और इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इसमें खुशियाँ चाहते हैं और फ्रूटफुल बनना देखना चाहते हैं। देखते हैं कि लियो क्या चाहते हैं अपने पर्सन के लिए, लियो अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। लियो आपके पर्सन, लियो आप चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। अब और एक रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप एक छोटी सी बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। अब भले ही ये बिगनिंग अभी के लिए छोटी हो सकती है लेकिन आगे जाकर यही अच्छी ये रिश्ता अच्छा जा सकता है, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। और आप चाहते हैं कि आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, आप क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इसमें बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, आप दिल से काम लें। आपको एक शुरुआत करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये डिसाइड आपको करना है। और इस काम के लिए आप एक परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और उन लोगों के साथ जो, या फिर जो जिनको आप परिवार जैसा मानते हैं, फैमिली जैसा मानते हैं, उनके साथ मिलकर एक
जो पैसे से संबंधित हैं, जो स्टेबिलिटी है, उस उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत कर सकते हैं, और आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचकर नए ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। आप इस रिश्ते में बिल्कुल आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ ना हो। तो इसलिए आप चाहते हैं कि चाय वाले ही रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, एक बिगनिंग एक शुरुआत की जाए, धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्लियरिटी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। जो चीज़ें पास्ट में परेशान कर रही थी, दुख दे रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, और वो सोचें विचारें कि उनको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी के साथ वो आगे बढ़े ताकि आगे जाकर कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रख सके। तो देखते हैं कि लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स के लिए। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द टू ऑफ वॉन्ड्स, लियो के पर्सन इस रिश्ते में काफ़ी चुप भी है, काफ़ी खामोशी है, काफ़ी वो चाहते हैं कि सबसे पहले इन चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट करें, समय को थोड़ा सा समय दें। उनके पास और भी ऑप्शन है लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का इंतज़ार करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आप को पहले स्टेबल करना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए इस रिश्ते में, खुशियाँ होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है कि सबसे पहले उनको इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए, और इस रिश्ते को स्टेबल होने के लिए वो वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार करना चाह रहे हैं। वो जब तक अपने आप को शांत रखना चाह रहे हैं, मौन रखना चाह रहे हैं, वो चुप रहना चाहते हैं। वो इसमें चाह रहे हैं कि जब तक ये रिश्ता आगे बढ़ता है, कमिटमेंट वगैरह होती है, शादी में कन्वर्ट होता है, तो तब तक वो शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। वो उनको जो चीज़ें पता है, जो सीक्रेट वो जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी वो कोई खुलासा नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि सही समय आने का, सही वक्त आने का उनको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, तभी उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो वो वक्त को थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं, और इसमें काफ़ी चुप भी है, काफ़ी साइलेंस है, काफ़ी खामोशी है। तो या तो हो सकता है कि वो दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि लियो ऐसा चाहते हैं या लियो के पर्सन चाहते हैं। तो क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है, इसमें खामोशी है, चुप्पी है, कोई इसमें तो फिलहाल के लिए कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। वो चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले अपने आप को स्टेबल किया जाए और चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट किया जाए, इंतज़ार किया जाए। देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या देने वाली। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पॉन्ड्स, द एम्परर, यूनिवर्स जी चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में लड़ाइयाँ हैं, ड्रामे हैं, फाइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको इन चीज़ों से बच कर रहना है, इनसे बाहर रहना है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रही हैं और इस रिश्ते में दरार आ रही है, तो अब उन चीज़ों को उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, और इसको ख़त्म करने के लिए उन्हें समय रहते
एक हार्स डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, एक सख्त डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। चाहे उसके लिए थोड़ा सा अभी उनको परेशानियां हो सकती हैं, कष्ट हो सकता है, लेकिन अब वो डिसीज़न नहीं लेंगे तो लाइफ में कभी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस बाधाओं को, जो उनमें कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी दिक्कत है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्हें समय रहते एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। और अगर वो समय रहते अब डिसीज़न नहीं लेंगे तो लाइफ में कभी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, उन्हें सोच लिया है, उन्हें तय कर लिया है कि वो इसमें एक डिसीज़न ज़रूर लेंगे। तो और वो इस रिश्ते को खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं, खुश मेमोरीज के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं। वो नई पुरानी जो यादें हैं इस रिश्ते से जुड़ी हुई हैं, उन यादों को भी याद ताज़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हैप्पी रहें, खुश रहें, मग्न रहें, परिवार के साथ, फैमिली के साथ समय बिताएं, वेकेशंस पर जाएं, छुट्टियां बिताएं, जो लोग उनको अपने जैसे लगते हैं, जिनमें अपने जैसी वाइब्स आती हैं, उनके समय उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ खेलें, हो सकता है हो सके तो इंद्रधनुष भी देखें, मेले में जाएं, पिक्चर्स देखें, जहां भी उनको खुशी मिलती है। तो वो चाहते हैं कि इसमें इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इन चीज़ों को ख़त्म करके एक इसमें समय रहते एक हार्श डिसीजन लें। चाहे वो अभी उनके लिए कठोर है, हार्श है, मुश्किल है, लेकिन उन्हें अगर वो आप डिसीज़न नहीं ले पाए तो कभी नहीं ले पाएंगे। और वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर वो इंजॉय करें, मौज मस्ती में करें, हैप्पी बनाएं, इस रिश्ते को खुशियों में कन्वर्ट करें, और उनके साथ मिलकर टूर ट्रैवल पर जाएं, पिकनिक पर जाएं, और इस रिश्ते को नया तरोताज़ा बनाएं। तो इसकी गाइडेंस बता रही है कि ये रिश्ता खुशियों भरा होने वाला है, हो सकता है अगर वो समय रहते इसमें डिसीज़न ले लेते हैं। तो उसमें डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है, इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है टेन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये काफ़ी खुशियों भरा है, प्यार भरा है, मोहब्बत भरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में खुशी होती है। वैसे भी चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।